ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार कॉइन्स जो पोर्चुगीज़ इंडिया या फिर गोवा एडमिनिस्ट्रेशन के कॉइन्स है। 1 रुपी है ये, उमा रुपया, हाफ रुपया, मियाँ रुपया बोलते हैं, फिर ये क्वार्टर रुपया है, क्वार्टर रुपया एंड ओटावा रुपया या एज 1/8 रुपया। बेसिकली ऑल सिल्वर है, सारे सिल्वर कॉइन्स है और काफ़ी हाई ग्रेड कॉइन्स है, जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों। इनफैक्ट तो ये लाइट हाउस होल्डर्स में है जिनसे कभी शायद निकले भी नहीं है। और ये एक्सेप्शनली, हाँ, इसका आप टोनिंग देख सकते हो। जो ये सीरीज़ देखी है मैंने पोर्चुगीज़ इंडिया की, इसमें काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, काफ़ी सारे कॉइन्स यू नो आइदर किसी ने क्लीन किए हुए रहते हैं या फिर बेसिकली जो मिंट लस्टर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। आप देख सकते हो मिंट लस्टर है और इसको शायद मैं अनसर्कुलेटेड बोल सकता हूँ। अगेन ये 1882 का कॉइन है, 1881 एंड 82, इन दो 2 ईयर्स है जैसे जिनमें ये कॉइन आपको इन सर्कुलेशन देखने मिलेगा। इंडिया पोर्चुगीज़ है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये उनका कोट ऑफ आर्म्स है, उमा रुपया लिखा हुआ है। और जैसे कि मैं टोनिंग बोल रहा था, काफ़ी नेचुरल टोनिंग है इस कॉइन में। तो इसको अगर मैं ग्रेडिंग में दूँ तो आपको क्या लगता है, क्या ग्रेडिंग मिलेगा इसको? MS मिलेगा या फिर अबाउट अनसर्कुलेटेड या फिर क्या ग्रेडिंग मिलेगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं प्रेफर करूँगा NGC या PCGS के पास ही ग्रेडिंग करवाऊँ। बाकी जैसे कि ये मैंने बोला, ये मियाँ रुपया है, हाफ रुपी, अगेन सेम पैटर्न है पीछे, सिर्फ हाफ साइज़ है, इंडिया पोर्चुगीज़ा एंड द सेम किंग है। किंग बेसिकली ये लडविक बोलता है इसको, इसका आप स्पेलिंग आप देख सकते हो, लुडोविकस जो भी है फर्स्ट पोर्चुगीज़ा। एंड 1882 का ये भी कॉइन है, ये फेयरली ओके कंडीशन है, इट्स नॉट अनसर्कुलेटेड। और जो मैं कॉइन्स की बात कर रहा था जो धुले हुए आते हैं, बेसिकली ऐसे ये अनसर्कुलेटेड तो नहीं, ये शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नो ये शायद क्लीन किए गए हो, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट काफ़ी हाई ग्रेड है क्योंकि ये कॉइन्स मिलते नहीं, कम रैम मिलते हैं, तो इस कंडीशन में हाई ग्रेड है मैं बोलूँगा। और लेकिन इसका इसकी जो डेट है वो देख सकते हो 1881 है, सेम विथ दिस वन, 1881 का कॉइन है। और ये है आपका क्वार्टो रुपया, क्वार्टो दे रुपया, अगेन कोट ऑफ आर्म्स एंड बाकी सब सेम है, सिर्फ इसका जो साइज़ है वो रेशियो में उसका मिलेगा, एक सॉर्ट ऑफ रेशियो साइज़ आपको इन चारों कॉइन्स में मिलेगा। एंड लास्ट इज़ 1/8 रुपी, अगेन ओटावा दे रुपया विद द कोट ऑफ आर्म्स, काफ़ी क्यूब, बहुत छोटा कॉइन है, आप देख सकते हो मेरी उंगली के हिसाब से कितना छोटा ये। रेयर नहीं बोलूँगा, ये रेयर आपको मिल जाएंगे ये कॉइन, लेकिन कंडीशन में आपको मिलना मुश्किल है, यू नो बहुत ये वीक कंडीशन में आपको शायद 1200 1500 में भी मिल जाएगा, कभी कभी 800 में भी मिल जाता है, बट ये कंडीशन में मुझे पता नहीं इसकी कीमत क्या होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई सुझाव या सजेशन हो, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, थैंक यू।